हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई द डेंसिटी ऑफ पोटाशियम इज़ लेस देन सोडियम। हम ये डिस्कस करेंगे कि पोटाशियम की डेंसिटी वो सोडियम से क्यों कम होती है। तो इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें, सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का रेशियो जब हम लेते हैं वॉल्यूम के साथ, इसको हम कहते हैं डेंसिटी। नाउ डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं, एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, सिमिलरली एटॉमिक साइज, ये दोनों चीज़ें इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, पोटाशियम पड़ा हुआ है पहले ग्रुप में, ग्रुप नंबर फर्स्ट में। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में अगर हम देखें कि जब हम लिथियम से आते हैं सोडियम, फिर सोडियम से पोटाशियम, पोटाशियम से रुबिडियम और रुबिडियम से सीजियम, तो इस दौरान क्या हो रहा है, इस दौरान एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन नंबर वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास वो इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक मास इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रोटॉन नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वो इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें डाउन द ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरतीब से जब हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू सोडियम, शेल आफ्टर शेल एंड अनदर शेल, अनदर शेल, अनदर शेल, शेल आफ्टर शेल इज एडेड, इस वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। लिथियम को हम देखें, इसमें दो शेल्स हैं, इस तरह सोडियम में तीन हैं, पोटाशियम में चार हैं, रुबिडियम में पांच हैं, सीजियम में छह शेल हैं। तो ये दो बातें हमने समझ ली। पहली बात, डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज वो इंक्रीज होता है। अब डेंसिटी के साथ क्या होने वाला है, मास भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वो डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डाउन द ग्रुप जब हम आ रहे हैं, तो मास में जो इंक्रीज आ रहा है वो इंक्रीज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम इंक्रीज, इस वजह से डेंसिटी वो इंक्रीज हो रही है। तो पहली तो ये बात कि डाउन द ग्रुप जब भी हम आते हैं, डेंसिटी वो इंक्रीज होती है। अगर हम लिथियम के डेंसिटी को देखें, वो 0.534, इस तरह सोडियम की 0.972, पोटाशियम की 0.86, ये एक्सेप्शन है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इस तरह रुबिडियम की 1.53, सीजियम की 1.903। सो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ये है कि डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं, तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी वो इंक्रीज हो रही है, जनरली ये ट्रेंड है। लेकिन एक्सेप्शन इसमें पोटाशियम की है, कि पोटाशियम के केस में डेंसिटी वो सोडियम से, इसकी अगरचे डेंसिटी वो ज़्यादा होनी चाहिए थी अगर हम रेगुलर ट्रेंड को देखें, लेकिन पोटाशियम जो है वो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा। पोटाशियम की डेंसिटी वो 0.86 है। तो यहाँ पर इसके लिए हम एक रीज़न देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम पोटाशियम के देखें, पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। नाउ लुक एट हियर, पोटाशियम के केस में जो थर्ड शेल ऐड हुआ है, इसके नतीजे में एम्प्टी डी ऑर्बिटॉल ऐड हो चुका है। हम क्या कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ एम्प्टी 3d ऑर्बिटॉल। अगर हम सोडियम के केस में देखें, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन इसका ये है, और पोटाशियम के केस में ये वाला वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। तो पोटाशियम के केस में mt3d ऑर्बिटॉल वो ऐड हो चुका है। अब इस mt3d ऑर्बिटॉल जो है, इसके एडिशन की वजह से ये जो पोटाशियम है, इसके एटॉमिक साइज में अनयूजुअल इंक्रीज आ चुका है। क्या क्या हो गया है, अनयूजुअल इंक्रीज इन
एटॉमिक साइज ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम के एटॉमिक साइज में अनयूजुअल इंक्रीज आ चुका है। अब इस अनयूजुअल इंक्रीज की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो चुकी है, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि डेंसिटी में इंक्रीज अगर आता है, इट इज द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम, या चेंज इन मास एंड चेंज इन द वॉल्यूम। यहां पर मास में भी पोटाशियम सोडियम से जब हम पोटाशियम में आते हैं, एटॉमिक मास में भी इंक्रीज आता है, सोडियम से पोटाशियम में आते ही एटॉमिक वॉल्यूम में भी, एटॉमिक साइज में भी इंक्रीज आता है, लेकिन जो एटॉमिक मास में यहां पर इंक्रीज आता है वो एटॉमिक वॉल्यूम से कम आ रहा है। एटॉमिक वॉल्यूम में जो इंक्रीज आ रहा है, मतलब कहने का ये कि द इंक्रीज इन वॉल्यूम इन केस व्हेन वी मूव फ्रॉम द सोडियम टू पोटाशियम डोमिनेट्स या आउटवेट्स द इंक्रीज इन द वॉल्यूम व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम सोडियम टू पोटाशियम आउटवेट्स द इंक्रीज इन द मास। जबकि जनरल ट्रेंड ये है कि इंक्रीज इन द मास आउटवेट्स द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। मास में जितना इंक्रीज आता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, इस वजह से डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन पोटाशियम के केस में इंक्रीज इन द मास जो है, इट इंक्रीज इन द वॉल्यूम आउटवेट्स द इंक्रीज इन द मास। दैट्स व्हाई द डेंसिटी ऑफ पोटाशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम।